A very good morning to all of you. Dear student, again we meet in our online teaching program. Students, we studied chapter 1, explained lesson, hard words, question answer, textual grammar and also its exercise. Everything we learned. But student, if you are getting problem somewhere in the textual exercise in the grammar topic, so don't get difficulties. Please pay attention in our online teaching program and we recapitulate all the things for you. Student, hum puri lessons aapke liye explain karenge, phir se short mein recapitulate karenge taki aapka koi missing part ho, wo chhoot na jaye. Hamara grammar ka topic hai naming words. Dear student, hum pehle bhi ye learn kar chuke hain, hame pata hai ki naming words kya hai. Aapke aas paas कोई भी चीजें हो उसका कोई नाम, वो चीज पर्सन के रूप में भी हो सकती है, एनिमल के रूप में भी हो सकती है, प्लेस के रूप में भी हो सकती है और थिंग के रूप में भी हो सकती है, बस उसका कोई नाम, उसे बोला जाता है नेमिंग वर्ड्स. जैसे कि आपके पास ये राउंड कलर, राउंड शेप का कोई भी चीज है तो आप उसको नाम दोगे बोल. ये एनिमल के रूप में है तो हम उसको बोलेंगे डॉग, क्योंकि उसका लुक डॉग के जैसा है. इसको हम टीचर के रूप में भी देख सकते हैं, एक पर्सन का फोटो है. यहाँ पे सारे बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, फ्लावर्स हैं, रेनबो हैं, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको नाम दोगे गार्डन. तो यहाँ पे थिंग का भी नाम आ गया, एनिमल का भी नाम है, पर्सन का भी है और प्लेस का भी नाम है. तो इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ नाम, उसे बोला जाता है नेमिंग वर्ड. हम फिर से रिपीट करते हैं, अ नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास एक छोटा सा पिक्चर है, इसमें बहुत सारे नेम है. चलो हम देखते हैं, बर्ड, नेस्ट, ट्री, हाउस, डोर, कार, बॉय, स्क्विरल, मैट, केट, बॉल, गर्ल. इस पिक्चर में प्लेस का भी नाम है, पर्सन्स के भी नाम है, थिंग के भी नाम है और एनिमल के भी नाम है. हमने बहुत सारे नेम के बारे में देखा. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा दूसरा टॉपिक है कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. डियर स्टूडेंट, आप जब भी लिखने बैठो, हार्ड वर्ड्स लिखो, चाहे क्वेश्चन आंसर लिखो या सेंटेंस लिखो, हमेशा एक चीज याद रखना, वर्ड का फर्स्ट लेटर या तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर. ये कभी भी मत भूलना कि कैपिटल लेटर हमें नहीं करना है, आपको कंपलसरी कैपिटल लेटर करना है वर्ड का फर्स्ट लेटर. अगर आपका सेंटेंस खत्म हो जाए तो उसके पीछे आप फुल स्टॉप लगाओगे. बहुत इजी है. हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर. हमारे पास एक पिक्चर है जहां पे गर्ल रीडिंग कर रही है. मीना इज रीडिंग अ बुक. मीना बुक पढ़ रही है. यहाँ पे मीना गर्ल का नाम है इसलिए हमने एम कैपिटल किया. दूसरी बात, ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर. अब ये सेंटेंस खत्म हो चुका है इसलिए हमने लास्ट में क्या लगाया, यस, फुल स्टॉप. सेकंड पिक्चर, यहाँ पे राज
स्विमिंग कर रहा है। तो राज एक पर्सन का नाम है, इसलिए हमने सेंटेंस में वर्ड का फर्स्ट लेटर आर कैपिटल किया। क्यों हमने सारे वर्ड कैपिटल नहीं किए, ना ही हमने स्विमिंग में एस कैपिटल किया? नहीं स्टूडेंट, हमें एक तो वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, सेकंड थिंग ये पर्सन का नाम है, इसलिए हम आर के जो भी नाम हो वो हम कैपिटल लेटर में दिखाएंगे। जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो हम उसके पीछे लगाएंगे फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, आपको अब नेमिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा, अब आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर स्टूडेंट फिर भी आपको कोई डिफिकल्टीज लगे तो प्लीज आप मुझे कॉल करना, मैं तब भी आपके डाउट सॉल्व करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।